चर्चा चैनल का जो उद्घाटन के उपलक्ष्य में यहाँ छोटा भाई है अमित, इसको बधाई देने के लिए आज जो मोर्चा के यूट्यूब चैनल की जो ओपनिंग यहाँ की है उसके उपलक्ष्य में आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और मेरी शुभकामनाएं बधाई है और उम्मीद भी करता हूँ कि दी मोर्चा के नाम से जनता की आवाज़ लोगों के बीच में और सरकार तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि आज लोगों का विश्वास जो नेशनल चैनल उनसे उठ चुका है उनके ऊपर सरकार की वाहवाही करने का एक बहुत बड़ा एक ब्लेम लग चुका है। आज सरकार की इस कार्यशैली की वजह से लोगों का विश्वास और यूथ का जो विश्वास है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। सभी चैनल की बात नहीं करता मैं सभी चैनलों के ऊपर, लेकिन बहुत सारे नेशनल चैनल के ऊपर ये ब्लेम है। तो आज यूथ का पब्लिक का इन चैनलों के ऊपर छोटे चैनलों पे विश्वास बढ़ रहा है, तो उसकी अंत में अमित को शुभकामनाएं देता हूँ। मैं एक बात भी कहना चाहूँगा कि ये उस विश्वास को बरकरार रखें, किसी भी चैनल का मीडिया चैनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है चाहे प्रिंट मीडिया है, उसका जो है ना जनता पे विश्वास होना ही उसकी सबसे बड़ी जो कामयाबी मैं मानता हूँ। यही किसी को कुछ आज जींद में आपके बीच में जो पंजाब में पेंशन खत्म करने का काम किया है क्या हरियाणा में नहीं होना चाहिए? आप एक विधायक से देखते हैं सर, आप अगर पीछे की अपडेट लेंगे तो मैंने तो ये मामला जो है ना विधानसभा में बड़ा मजबूती से उठाया है और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर मैंने मुद्दा उठाया था। एक विधायक एक दिन की ओथ लेने के बाद अगर विधायक रहता है और वो जो उसके बाद नहीं भी रहता तो एक दिन के विधायक को पेंशन मिलती है, फिर दो बार बनता दो बार तीन जितनी बार बनता उतनी पेंशन का हकदार होता है। और 35-35, 40-40 साल सर्विस करने के बाद में जो आगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो है ना पेंशन खत्म कर दी। मैं तो आज का जो ये फैसला जो भगवंत मान का पंजाब सरकार का जो आया कल जो उन्होंने निर्णय लिया है उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और ये एक सोच, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो आता है वो तनख्वाह लेने के लिए और पेंशन लेने के लिए नहीं आता, जनता का प्रतिनिधि अपना प्रतिनिधि लोग उसको अपना वकील चुनकर अपने हकों के लिए विधानसभा और लोकसभा में उनकी पैरवी उनके जो संवैधानिक रूप से जो हमारे अधिकार बनते हैं जो डेमोक्रेसी में संविधान में हमारे संविधान के अंदर जो हमारे राइट्स बनते हैं उनके लिए हमारे उनकी पैरवी करे और उनको उन सुविधाओं को उन चीज़ों को लेने का काम करे। ये जनप्रतिनिधि का काम होता है, वो तनख्वाह करने लेने के लिए या पेंशन लेने के लिए उसको नहीं चुना जाता। बिल्कुल, मैं तो हरियाणा प्रदेश की सरकार को ये कहना चाहता हूँ कम से कम उनकी खुद की बुद्धि अगर काम नहीं करे तो पंजाब की सरकार से ये सीख लेते हुए मुख्यमंत्री जी को तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और ये चीज लागू कर देनी चाहिए। जो खेल कोटा खत्म किया खिलाड़ियों का जी, तरफ तो खेल कोटा खत्म कर रही है जी, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोटा खत्म नहीं है। देखिए, उप मुख्यमंत्री जी का जो है ना वो लिफाफा फट चुका है। उप मुख्यमंत्री तो जो है इस प्रदेश के लोगों को लूट कर झूठ का काम करते हुए उन्होंने जो है ना सत्ता में आए थे, वो तो पहले उस खट्टर साहब को भी जमुना पार भेजने की बात करते, वो तो बुजुर्गों को झूठा 5100 रुपये का वादा करके भी आए थे, वो तो बड़े बड़े रोजगार देने की बात करके आए थे, वो तो HPSC UPSC में भ्रष्टाचार पर जो ना बड़े बड़े वादे करते थे वो दोनों राजकुमार जो है, लेकिन आज कहाँ है UPSC HSC के इतने बड़े बड़े ब्लंडर जो उसके घोटाले उनके पैसे अटैचियाँ मिली लेकिन कभी चू तक नहीं की। उन्होंने जो 5100 रुपये में विधानसभा में चलाया था बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है, बढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने जिस प्रकार से कोटे की बात कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री अपने आप को बहुत बड़ा समझदार रूप बनाने की कोशिश में बहुत बड़ा एंटी है, उसको नहीं पता इस बात का उप मुख्यमंत्री है। एक तरफ तो सदन के अंदर अभी जो है ताज़ा हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों ने हरियाणा को खेल उसके अंदर नंबर वन देश के अंदर लाने का काम किया और विधानसभा में स्पोर्ट्स मिनिस्टर को बधाई दी जा रही है, मुख्यमंत्री स्पीकर साहब उसको बधाई दे रहे हैं, मैच को थपथपा के उसको बधाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी काम किया। और दूसरी तरफ जिन खिलाड़ियों की बदौलत हरियाणा प्रदेश को स्पोर्ट्स में नंबर वन पहुंचने का जो सौभाग्य मिला है उन खिलाड़ियों के कोटे खत्म किए जा रहे हैं। ABC तीनों कैटेगरी का जो है 3% का कोटा खत्म कर दिया,
इससे सरकार की दोगली नीति, सरकार नहीं चाहती, क्योंकि स्पोर्ट्स में जो बच्चे आते हैं वो स्पोर्ट्स में बच्चा ग्रामीण अंचल का आता है, और इनकी कोई सोच ग्रामीण के बच्चों को आगे बढ़ाने की नहीं है, सच्चाई में कह रहा हूँ। और उप मुख्यमंत्री को तो सिवाय लूट करने के उसके सारे विभागों में कितना बड़ा भ्रष्टाचार और लूट मची हुई है, पूरा प्रदेश आज इस बात को जानता है। आज इस बात को पूरा प्रदेश जानता है कि प्रदेश की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री जी ने अपनी सरकार को बचाने के लिए उसके सहयोगी को कितनी बड़ी छूट दे रखी है कि मेरी सरकार उसका समर्थन जारी रहे, उसके लिए सरकार को जितना इस प्रदेश को लूटना लूटते हो आज जग जाहिर हो चुका है। लेकिन दुष्यंत चौटाला तो फिर भी कहते हैं कि हमारी जो रैली होती है, प्रोग्राम होते हैं, उनमें जनता आती है, भीड़ होती है, जनता हमसे नाराज है। जनता ये इससे बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है क्या? भगत सिंह की जयंती थी, जिस दिन भगत सिंह ने शहीदी दिवस था उस दिन शोक मनाना थी, और वो गाने बजाकर सिंगरों से डांस कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? और ये लोगों की, बच्चों की, मैं मानता हूँ नाम समझे ना को देखो, उस सिंगर के नाम पर उन स्पोर्ट्स के बच्चों को रोड पर बुला के उसको उसको अपने पॉपुलरिटी बता रहे हैं। इस बात का जवाब तो आने वाले चुनाव में जनता उनको देगी। वो और ये जमाना जो पंजाब के रिजल्ट है ये इस बात को पूरे देश में एक संदेश दे चुके हैं। अब ये राजघराने रजवाड़े जो ये लूट की दुकानें थी, जिन्होंने लाखों लाखों करोड़ की अपनी संपत्तियां, हजार हजार करोड़ के फार्म हाउसों मकानों में रहते हैं, ये कहां से आए, इनके कौन से बिजनेस हैं जिसकी बदौलत जो इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियां अर्जित कर रखी है, ये बताने का काम करे जनता के सामने। इनके कौन से बिजनेस चलते हैं जो इनके घरों में कई कई करोड़ की गाड़ियां चलती हैं, कौन से बिजनेस करके इतने बड़ी एम्पायर उन्होंने खड़े करे। ये सारी जो लूट की दुकानें हैं, ये जितने पांच छह राजघराने इस प्रदेश के अंदर हैं, इन्होंने कभी हर बार बदल बदल के जो ये कभी कोई आ रहा है कभी को रहा, इन्हें जो प्रदेश को लूटने का काम किया है, और आज अपने लाखों लाखों करोड़ की संपत्तियां रजवाड़े खड़े करें, इस बात का हिसाब आने वाले चुनाव में इन परिवारों में से कोई भी इस बाइक में वादा करता हूं और आपको इस बात का दावा करता हूं, मेरे साथ कोई शर्त लगाना तैयार हो तो पंजाब की तर्ज पर हरियाणा के लोग इन रजवाड़ों को जो है ना इनकी जमानत जब्त करके इनको घर बैठाने का काम। पंजाब की बात करें, पंजाब का जो रिजल्ट आया जी, हरियाणा में आम जनता है कहीं ना कहीं एक उम्मीद लगा रही है कि आम आदमी पार्टी विकास करेगी आने वाले समय में, हरियाणा में अगर सरकार बनती है तो वहीं पर आपका भी नाम आता है कि बलराज कुंडू देखिए आम आदमी पार्टी में जाए। आप जो बात करें, चर्चाएं होती हैं, जो आता है कोई, लोग हताश हैं, सारी पार्टियों से उनका मन उब चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं, हर पार्टी से आज पंजाब में आपने देखा उन सब राजघरानों से जिन्होंने पंजाब को लूट के एक नशे का जो है उसको आदि बना दिया था, एक ऐसा पंजाब प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे खुशहाल प्रदेश है, एग्रीकल्चर बेस्ड हो या कैसे साधन संपन्न सुदृढ़ ताकतवर लोगों का जो है पंजाब, भगत सिंह का पंजाब को नशे का अड्डा बना दिया और उसको लूट के आज कर्जे में डुबो दिया पंजाब के उन हुक्मरानों ने जिन्होंने अपने घर भरकर लाखों लाखों करोड़ के रजवाड़े खड़े कर दिए। पंजाब की जनता ने जब उनको देखा एक विकल्प भी आपके रूप में आया है एक आम आदमी के पूछे, तो उन्होंने उनको नकारते हुए सब राजघरानों को उनकी जो है हरा कर उनके घर भेज दिया और एक नए उसको मौका दिया। उनके ऊपर डिपेंड करता है, भगवत मान के ऊपर विश्वास करके जनता ने उनको अपना वकील और अपना सिरमौर चुनने का काम किया, उनकी कार्यशैली पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार के उस विश्वास को, उस प्यार और आशीर्वाद को जो पंजाब के लोगों से उनको मिला है उस पर कितना खड़ा होता है। पंचायत चुनाव को एक लंबा समय होगा, पिछले साल होने थे, अब निकाय चुनाव होने थे हरियाणा में, उस पर भी स्टे आएगा, किस नजरिए से देखते हैं इस चीज को? नजरिया सरकार की नीयत ही नहीं है, पंचायतें बनेंगी उनको फंड देना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और अपने मर्जी से अब जो है ना अधिकारियों के साथ जिसका मन चाहे ना उस बजट को लगा रहे हैं, उसका लूट की दुकान चला रखी है, सारी उसकी सच्चाई नहीं है। वीरेंद्र सिंह का प्रोग्राम था कल उजाना जी, पूर्व विधायक भी आए, हरि सिंह चौटाला भी आए, राजस्थान से भी आए, पंजाब से भी आए, क्या आपको भी न्योता मिला था? मेरे को न्योता मिला था, लेकिन मेरा उसमें मेरी समझ से बाहर था कि प्रोग्राम क्यों किया गया। व्यक्तिगत रूप से चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन इस प्रोग्राम को करने का उनका मकसद क्या रहा, क्या उनकी सोच है, क्या उनकी नीयत, मेरी समझ से बाहर था, इसलिए मैं उस प्रोग्राम में नहीं गया। मेरा जो उनका नजरिया, मेरी समझ से बाहर है, उनका प्रोग्राम करने का उनकी मंशा क्या है वो मेरी समझ से बाहर थी। आप निर्दलीय विधायक हैं जी, सोमवीर सांगवान भी निर्दलीय विधायक, किसान आंदोलन चला, आंदोलन के दौरान समर्थन लेते हैं सरकार से वापिस जी, अब फिर वापिस समर्थन दे रहे सरकार। ब्रदर मैं तो इस बात को बार बार कहता रहा हूँ, सोमवीर सांगवान हमारे विधानसभा के साथी हैं, बड़े भाई हैं हमारे, लेकिन वो विशेष एजेंडे के तहत जो है ना भाजपा की सरकार के वो सिपाही थे, सच्चे सिपाही थे, उनको एक एजेंडे के तहत एक होमवर्क दे के उनको जो है ना वहाँ से भेजा गया था,
और वो हुआ तो जितना वो कर पाए उन्होंने अपनी तरफ से ट्राई बेस्ट, जितना किया ना किया वो तो वो जाने प्रदेश से था। अब वो वापस अपने घर जा रहे हैं, वो कोई नई चीज घटना, मैंने बीच में बार बार कहता रहा इस बात, तो वो वापस घर जा रहे हैं। शायद आने वाले दो चार पाँच दिन में उनको चेयरमैन भी मिल जाए, वो कोठियाँ भी मिल जाए जिनकी थी, वो अपने सरकार का लाभ लेंगे, लेना भी चाहिए, जो सरकार के सिपाही है तो मिलना भी चाहिए उनको। मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन जी, आप चेयरमैन भी रहे जी बीजेपी पार्टी से, मैं बीजेपी कोटे से ना पार्षद था ना अपने दम के ऊपर, आपको अगर मैं चेयरमैन पार्टी मुझे बनाती, चार बार इलेक्शन पोस्टपोन किया गया था, और जब मेरे पास मेरा मैंडेट पूरा था, मेरे पास पार्षद पूरे थे, मजबूरन जो है ना मुझे जो है ना जिला परिषद का चेयरमैन चुना गया था। अगर सरकार का मेरे पास मैंडेट होते हुए चार बार चुनाव पोस्टपोन करने की कहां जरूरत थी, पहले जो ना चार दिन के बाद ही चुनाव करवा के मुझे चेयरमैन बना देते ना। मैं अपने दम के ऊपर मेरे पार्षदों के साथ और सहयोग से जिला परिषद का चेयरमैन रहा, सरकार का उसमें कोई रोल नहीं था, सरकार बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं वहाँ चेयरमैन के पद पर रहा, और मेरा जो चेयरमैन का जो चार साल का कार्यकाल भी इस पूरे प्रदेश में जिला परिषद चेयरमैन की एक अलग पहचान के साथ ईमानदारी और निष्ठा के साथ मैंने किया। जी मेरा क्वेश्चन ये था सर, आप चेयरमैन भी हम निर्दलीय विधायक भी रहे हो, मौके पर विधायक, जो पार्टी का विधायक होता है और एक निर्दलीय विधायक होता है, क्या अंतर है, कितना फर्क लगता है, कि जनता की आवाज़ कौन अच्छे से उठा सकता है? तो आपको देखना चाहिए मेरी कार्यशैली में क्या करता हूँ, मैं अपना दायित्व निभाता हूँ, पार्टी के गुलाम होते हैं, पार्टी के दिशा निर्देश पर काम करना होता है, उनकी अपनी कोई ना आवाज़ होती ना कोई शब्द होता ना कुछ होता, ये मेरा एक एजेंडा। आज मैं खुलकर अपने लोगों की जो रियलिटी धरातल की जो समस्याएं हैं तो